यूपी का कन्नौज जिला इत्र के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इत्र नगरी का गट्टा भी दुनिया में काफी मशहूर है। कन्नौज के भक्तों ने इत्र नगरी से अयोध्या में श्री राम लला का भोग लगाने के लिए गट्टा भी भेजा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जब हर जिले से श्री राम लला के लिए कुछ न कुछ पहुंच रहा है तो कन्नौज की फेमस चीज भी जानी चाहिए। कन्नौज के इत्र के साथ साथ गट्टा भी मशहूर है, जिसमें यहाँ के राम भक्तों ने श्री रामलला के भोग के लिए गट्टा अयोध्या भेजा है। गट्टा कन्नौज की एक पारंपरिक मिठाई है जो शक्कर, देसी घी और मिश्रित मेवा से निर्मित होता है। आपको बताते चले कि कन्नौज जिले में 100 साल पुराना गट्टे का व्यापार है, जिसमें जिले भर में सिर्फ एक ही ट्रेडमार्क का गट्टा हर जगह मिलता है, जिसका नाम कलावती गट्टा है। कलावती अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने आज से 100 साल पहले कन्नौज में इस गट्टे का निर्माण कर अपने हाथों से गट्टे के व्यापार की शुरुआत की थी। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी व्यापार के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करती चली आ रही है। परिवार की दो दुकानें और गोदाम कन्नौज शहर के बड़ा बाजार में है, जहाँ पर गट्टा का निर्माण करके थोक और फुटकर गट्टे की सप्लाई की जाती है। आज ये कारोबार कलावती के परिवार के अवधेश कुमार और राजीव कुमार अलग अलग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की माने तो उन्होंने इत्र के साथ साथ कन्नौज का मशहूर गट्टा भी अयोध्या में श्री राम लला के भोग के लिए भेजा है। उनका कहना है कि गट्टे से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के समय भोग लगाया जाएगा। कन्नौज का गट्टा काफी फेमस है, इसलिए उन्होंने श्री राम लला के भोग के लिए यहाँ गट्टा भेजा है। उन्होंने अपने श्रद्धा भाव के अनुसार 21 किलो और 51 किलो गट्टा भोग के लिए भेजा है। कुछ फुटकर दुकानदारों ने भी अयोध्या जा रहे गट्टे में अपना गट्टा शामिल कर भेजा है। अभिषेक ने बताया कि ये राम जी के भोग के लिए भेजा गया है। जैसे हर जिले में अलग अलग प्रकार की सामग्री जा रही है, तो कन्नौज से इत्र जा रहा है, तो हमने भी सोचा कि गट्टा का भी भोग लगना चाहिए। तो जो सभी राम भक्त हैं उनकी श्रद्धा के अनुसार गट्टा भेजने की तैयारी है। गट्टा जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है, जिसे देसी घी, दूध, चॉकलेट, इलायची, केवड़ा, बादाम, अखरोट वगैरह जलाकर बनाया गया है। स्ट्रीट बर्स के लिए कन्नौज से पंकज कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप यहाँ से अयोध्या गट्टा गया है जी, तो कितनी मात्रा में गया है और क्या भाव से गया है? भोग के लिए गया है 5 किलो गट्टा। कन्नौज में इधर औसेंड अगरबत्ती गई है कन्नौज से, तो हमने भी सोचा कि जो है प्रसाद में भोग में बटेगा तो कन्नौज की प्रसिद्ध मिठाई है ये। श्री रामलला का भोग लगेगा गट्टे जी। जी, तो क्या भाव रहा आपका कि मतलब किस अपने भाव से भेजा? हमने अपने भाव से भेजा, ये भोग में बटेगा वहाँ पर सबके मुंह में जाएगा प्रसाद। श्रद्धा भाव से मिठाई तो हर कोई बेचता है। ये हमारा कन्नौज का बहुत ही पुराना और फेमस आइटम है। हमारे सन स्थापित 1923 परदादी ने चालू किया था ये। इसको 101 साल पूरे हो गए हैं आज की तारीख में। ये क्या नाम है आपका? हमारा अभिषेक कुमार वैश्य। ये आपकी दुकान है जी? ये अपना ही प्रतिष्ठान है। ये कलावती गट्टा हो गया तो अयोध्या में आपके यहाँ से गट्टा गया है जी, कितनी मात्रा में गया है और कैसे कांटेक्ट हुआ था? कांटेक्ट क्या, ये तो राम जी के लिए भोग में भेजा गया। जैसे सब जगह से अलग अलग सामग्री जा रही, तो अपने कन्नौज से इत्र जा रहा है, तो हमने कहा गट्टे का भी भोग लगना चाहिए, क्योंकि जैसे कि सभी जगह से भक्त लोग हैं जो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो चीज़ें जो उनके यहाँ की जो प्रसिद्ध या स्पेशल हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर भेजी जा रही। तो हम लोगों ने सोचा जैसे इत्र जा रहा है तो अपने यहाँ का स्वाद भी जाना चाहिए, जो यहाँ के लोग ले रहे हैं तो प्रभु को भी भोग लगे, इसलिए हम लोगों ने भी ये गट्टे भेजे हैं। और गट्टा हम लोगों ने सबसे बढ़िया जो बनता है हमारे यहाँ की सबसे अच्छी क्वालिटी का, जिसमें देसी घी, दूध, चॉकलेट, इलायची, केवड़ा, बादाम, चिरौंजी, अखरोट वगैरह, नंबर एक क्वालिटी का बढ़िया वाला गट्टा भोग के लिए हम लोगों ने भेजा है, जिससे कि यहाँ पे जो अन्य क्षेत्रों से भी जगह से चीज़ें आ रही हैं तो उनको लगे कि हाँ हमारे कन्नौज से भी कुछ गया है, तो इससे थोड़ा सा हम लोगों को भी सम्मानजनक महसूस हो। इसकी खासियत क्या है? गट्टे की खासियत ये है कि जैसे कि ये पारंपरिक एक तो मिठाई है, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि खाने में बहुत से लोगों को जैसे कि अलग अलग की मिठाइयाँ पसंद हैं, लेकिन ये अपने यहाँ की एक पुरानी मिठाई है, जब कभी भी 100 साल से हम लोग इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको खाने में जैसे कि आप मुँह में रखेंगे तो ये घुल जाएगी, इसमें आपको इलायची, केवड़ा और मिठास पता लगेगी उससे खाने में। श्री राम लला के लिए आप भेजा है और क्या रहा है? हम लोगों ने अपने यहाँ का सबसे बढ़िया वाला गट्टा है उठाओ इस पर।
लोगों ने अपने यहाँ का ये सबसे बढ़िया गट्टा जो हम लोग बनाते हैं ये हम लोगों ने भेजा है। जी क्या भोग लगेगा इसका? जी भोग लगेगा इसका वहीं पर अर्जम। जी ये हम लोगों ने कम से कम इसको 50 किलो की तक भेजा है, 51 किलो जैसे सब मानते हैं हम लोग, 21 किलो 51 किलो 11 किलो तो जिसकी जैसे इतना हम लोगों ने 51 किलो भेजा है। कैसे कांटेक्ट हुआ? कांटेक्ट जैसे हमारे यहाँ के जो पवन त्रिवेदी जी हैं अतर एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनसे चाचा जी से उन्होंने कहा कि जैसे इत्र जा रहा है कन्नौज का, तो उन्होंने बताया कि हमारे अपने यहाँ से गुलाब जल इत्र वगैरह जा रहा है, तो हमने कहा कि तुम्हारा गट्टा भी जाना चाहिए, तो उन्होंने यही संपर्क हुआ हमारा। हमने कहा ये भी अच्छा है कि इसी बहाने हमारे साथ में गया गट्टा।